हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों इस समय हम मार्कंडे महादेव जी के पास हैं और जो कि कैथी में पड़ता है और यहीं पर गंगा नदी का और गोमती नदी का संगम होता है। जो कि तो बनारस की बात करें तो सुलटंकेश्वर और मार्कंडे महादेव घाट एकदम आखिरी घाट है ये। दोस्तों इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जो सुबह का नज़ारा है बेहद ही आकर्षक और काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर आप दोस्तों नीचे घाट की तरफ देख सकते हैं, सैकड़ों पर्यटक आए हुए हैं, श्रद्धालु जो कि गंगा नदी में नहा रहे हैं और इस गर्मी के मौसम को अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं। और दोस्तों इस घाट का नवीनीकरण कर दिया गया है जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी आकर्षक भरा। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से पर्यटक आए हुए हैं। दोस्तों हम इस समय मार्कंडे घाट पर नहा चुके हैं और नहाने के बाद वापस दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग गंगा घाट में स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और सामने का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी भव्य लग रहा है। तो आइए चलते हैं। इस समय दोस्तों सुबह का समय होने की वजह से मंदिर परिसर में बहुत ही कम भीड़ है और हम लोगों को दर्शन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर आकर के काफ़ी दिव्य अनुभव हो रहा है मार्कंडे महादेव। दोस्तों अपने बनारस में एक मार्कंडे महादेव जी का मंदिर हो गया जो कि एकदम बनारस का आखिरी मंदिर होता है एक तरह से घाट पर, गंगा नदी के घाट पर। और एक इसके अलावा सुलटंकेश्वर है जो कि बनारस का सबसे आखिरी घाट है। तो दोनों जो महादेव जी के मंदिर हैं बनारस के एकदम आखिरी पे है और बनारस को बचाए हुए हैं, बनारस के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने देते हैं।
चलिए दोस्तों, हमने मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन कर लिया, काफ़ी भव्य दर्शन हुआ और सुबह के समय में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और आसानी से दर्शन हुआ। अगर आप बहुत ही आसानी से दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम आकर दर्शन कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग का मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन हो चुका है और हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज जो है कि आज दिन कौन सा है, आज मंगलवार का दिन है और हम लोग सुबह सुबह गंगा स्नान करके बाबा का दर्शन कर लिए हैं क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा नहीं था। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग का बाबा मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन हो चुका है और ये देखिए पीछे कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस समय सुबह का मौसम है और जो है कि सुबह में जो कि भक्तगण बहुत कम मात्रा में यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए हम लोगों को मुश्किल से आधे घंटे का समय लगा और हम लोग को दर्शन हो गया। हमारे साथ राहुल जी हैं, मेरे प्रिय मित्र, हम लोग बनारस से आए हुए हैं। तो मेरे साथ आप भी इंजॉय करिए, दर्शन करिए मार्कंडेय महादेव जी का। हर हर महादेव।